नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक टोस्टर, जो प्रेस्टीज का टोस्टर है, वो कैसे रिपेयर होता है। एक जनरल फॉल्ट इसके अंदर जो आता है वो ये होता है कि हमारी जो दोनों लाइटें हैं वो एक साथ जलती रहती है। इसका मतलब होता है कि आपका जो कुक हीटर है, टोस्टर है, वो गर्म हो चुका है, उसके बाद में ही दोनों लाइटें जलती है। नहीं तो एक लाइट जलती है रेड वाली, और जो जब ये टोस्टर पूरा गर्म हो जाता है, हमारी जो ब्रेड होती है पूरी सिक जाती है, तब जाके ये सेकेंड वाला बल्ब, सेकेंड एलईडी ग्लो करती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ही लगाते हैं, देखिए जैसे ही लगाए उसी समय हमारे दोनों लाइट ग्लो करती है, और हमारा जो टोस्टर होता है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, एकदम ऑफ की कंडीशन में होता है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, यानी कि वो गर्म होने पर, एक पार्ट होता है जो गर्म होने पर इस टोस्टर को बंद कर देता है, वो खराब हो जाता है। यानी वो इसको, टोस्टर को तो बंद तो कर देता है लेकिन दोबारा चालू नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये फॉल्ट उसके टोस्टर के अंदर आता है, और काफ़ी छोटा पार्ट्स है वो देखने में तो, लेकिन उसका काम ये होता है कि जैसे ही अपना टोस्टर ओवर हीट होता है तो उसको बंद कर देता है, और हमारी जो ब्रेड होती है वो ज़्यादा जलती नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसमें से हम वो फॉल्ट कहाँ ढूंढेंगे। सबसे पहले हम अपने टोस्टर को खोलते हैं। खोलने के लिए नीचे की तरफ ये दो स्क्रू दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को स्क्रू को खोलेंगे, और उसके पश्चात ऊपर चार स्क्रू लगे हुए होंगे। ये देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 स्क्रू लगे हुए हैं। उनको हम जैसे ही खोलेंगे, इनको खोलने के बाद हमारे अंदर से एल्यूमिनियम की एक प्लेट हमें दिखने लगेगी। दोस्तों टोस्टर खोलने के बाद आपको ये एक छोटा सा एक पार्ट दिखेगा, थर्मोस्टेट पार्ट इसका नाम होता है। ये अगर खराब हो जाता है, यानी ओपन हो जाता है, तो आपका टोस्टर की दोनों लाइटें जलेगी। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो आपका टोस्टर कभी बंद नहीं होगा, ऑटोमेटिक मतलब बंद नहीं होगा। तो इसको हम पार्ट्स को नया लगा देते हैं। ये मार्केट के अंदर 30-40 रुपये का आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों अगर ये ओपन हो जाता है तो काफ़ी सही होता है, क्योंकि आपका टोस्टर गर्म ही नहीं होता। अगर ये शॉर्ट हो जाता है अंदर से तो आपकी ब्रेड पूरी जल जाएगी, तो भी आपका टोस्टर बंद नहीं होगा ऑटोमेटिक तरीके से। तो दोस्तों इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। बाज़ार में कई तरीके के ये थर्मोस्टेट आते हैं, जिन जिनके अंदर जैसे ओवर हीटिंग होती है तो हमारा जो टोस्टर होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दोस्तों ये जो इसके जो सर्किट है, इसकी वायरिंग है, थर्मोस्टेट वगैरह, सेम आपकी गीज़र वगैरह में भी ऐसे ही वर्क करती है। बस गीज़र में क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेवी लगे हुए होते हैं, थर्मोस्टेट एलिमेंट काफ़ी सारे हेवी होते हैं, तो उसमें हेवी पार्ट्स ही लगाना जरूरी होता है। तो दोस्तों कभी आपके गीज़र में भी अगर ये फॉल्ट आए तो उसका भी यही सोल्यूशन होगा। ये देखिए दोस्तों इसके थिम्बल है, थिम्बल कई बार सकड़े हो, मतलब कि इसमें फिट नहीं आते, छोटे जाते हैं, तो आप पेचकस की सहायता से इसको बड़े कर लीजिए ताकि इसमें फिट हो सके। और दोस्तों इसका जो नीचे आप देख रहे हैं, एक सी टाइप का एक एलिमेंट है, इसको एलिमेंट कहते हैं, ये गर्म करता है इसको, और ये सबसे पहले सप्लाई थर्मोस्टेट में आती है, उसके बाद में एलिमेंट में जाती है ताकि एलिमेंट की सप्लाई को ऑन ऑफ कर सके। ये देखिए दोस्तों ये थिम्बल लग चुका है, इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देते हैं, ये स्लीव इसके ऊपर चढ़ चुकी है, और अब इसके बाद में इसको बंद कर देते हैं टोस्टर को, और फिर इसको चला के देखते हैं। ये टोस्टर सेम उसी तरीके से बंद हो जाएगा। अब हम पहले इसके स्क्रू लगा लेंगे नीचे के, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये ढंग से फिट नहीं होगा तो फिर दोबारा इसमें स्क्रू लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो टोस्टर है इसमें सिर्फ दो ही पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक थर्मोस्टेट होता है। जो एलिमेंट होता है वो गर्मी करता है इस टोस्टर के अंदर, और थर्मोस्टेट होता है वो थर्मल कट की तरह काम करता है, यानी कि आपका जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और एक निश्चित टेम्परेचर के बाद आपके एलिमेंट को सप्लाई बंद कर देगा, जिससे आपका टोस्टर दोबारा से ठंडा होना चालू हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी ब्रेड जलेगी नहीं, एक टेम्परेचर के बाद सिकेगी, अच्छी सिकने के बाद ऑटोमेटिक टोस्टर बंद हो जाता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक टोस्टर भी कहते हैं। दोस्तों नीचे के स्क्रू लगाने के बाद हम इनको टाइट कर देंगे, और सेम ऐसे ही ऊपर चार स्क्रू लगेंगे।
दोस्तों अलग अलग कंपनियों के टोस्टर में हो सकता है कि अलग अलग थर्मोस्टेट आते हों, कईयों में अलग अलग थर्मोस्टेट भी आते हैं, कईयों में वेरिएबल थर्मोस्टेट आते हैं जिसका टेम्परेचर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें एक पेचकस पॉइंट को सेट करने के लिए एक स्क्रू दिया हुआ होता है, एक वेरिएबल स्क्रू दिया होता है जिसको आप सेट कर सकते हैं। और जो प्रेस्टीज का ये टोस्टर है उसके अंदर हम उसकी सेटिंग को नहीं छेड़ सकते, जो उसमें पहले से ही कंपनी ने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है उसी पे वो ऑन ऑफ होगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम जो चारों स्क्रू हैं वो भी लगा देते हैं, और यदि दोस्तों आपके जो टोस्टर अगर उसके अंदर सिर्फ एक लाइट जल रही हो तो भी आपका अगर टोस्टर काम नहीं कर रहा हो, गर्म ही गर्म ना हो रहा हो, तो आप समझ जाइएगा उसके अंदर थर्मोस्टेट की जगह एलिमेंट खराब है, यानी कि जो हीट पैदा करता है वो एलिमेंट खराब हो चुका है। अगर दोनों लाइटें जल रही हो तो भी टोस्टर गर्म नहीं हो रहा तो थर्मोस्टेट चेंज करना है, अदरवाइज इसके अंदर एलिमेंट चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों ये थर्मोस्टेट मैंने लगा दिया है, अब मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा आपको। ये इसके अंदर मैंने जैसे प्लग इन करूंगा, अगर इसको सीरीज में लगाएंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। और अब इसको डायरेक्ट लगा के देखता हूँ, जैसे हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो दोनों कि हमारा सिर्फ एक रेड वाला बल्ब भी जलेगा, इसका मतलब कि हमारा टोस्टर सही काम कर रहा है। ओके दोस्तों धन्यवाद।